सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का सक्सेस की 98 में। और सपोज कर लो आपके एग्जाम में ये पजल ही बन गया, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में ये पजल आ गया, तो पहले आपका माइंड काम क्या करेगा, पहले आप स्टार्टिंग से ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, देखेंगे पजल बहुत बड़ा है, और फिर क्या पढ़ेंगे, एक दो स्टेप जरूर पढ़ेंगे ऊपर से कि 7 क्रिकेट प्लेयर थे, नाम दे दिए गए हैं, फिर एंडिंग क्या हो रहा है मंडे से संडे तक, फिर विकेट्स भी है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, और बहुत कुछ है, तो आप क्या सोचेंगे, नहीं पजल नहीं करना है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि प्री के पजल काफी इजी आएंगे। यार एग्जांपल ले लो ना, स्टेट बैंक का, बीओबी का, मैं बता बता कर थक चुका हूं कि आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप कोई सा भी अगर पजल स्टार्ट करते हैं ना प्री के एग्जाम में, वो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप एग्जाम में जाकर चूज करेंगे पजल करना कौन सा है, फिर तो आप बुरी तरह फंस जाओगे, वो करना नहीं है, ठीक है। पहले चीज तो ये आपको इग्नोर करना है कि एग्जाम में जाकर चूज नहीं करना है, घर से डिसाइड करके जाना है कि मुझे कौन सा पजल करना है, लीनियर, सर्कुलर, फ्लोर, कोई सा भी पजल आप घर से डिसाइड करके जाओ, इतना प्रैक्टिस करके जाइए ना कि एग्जाम में जाकर आप इजिली क्रैक कर पाओ। ये कोई मेंस लेवल का पजल नहीं है, मैं बार बार बोल चुका हूं, बहुत इजी आने वाला है, बहुत इजी, ठीक है। तो देखो इस पजल में कुछ था नहीं, नॉर्मल अगर एग्जाम के स्क्रीन पर आपके पास ये पजल आता ना, तो बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, लेकिन पजल बहुत इजी था। देखो नॉर्मल बोल क्या रहा है, 7 क्रिकेट प्लेयर्स नाम दे दिए गए हैं, वेल प्लेड इन 7 डिफरेंट मैचेस में वो खेल रहे हैं, 7 प्लेयर्स, ठीक है। कब कब जो मैच स्टार्ट हो रहा है, वो मैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है, वो गेम चल रहा है, ठीक है। और एक बात, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मैं पजल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हिंदी में, आप वहां से भी पढ़ लेना। तो देखो और आगे क्या दिया गया है, 7 मैचेस हो रहे हैं, 7 प्लेयर है, और मैच कब से चल रहा है, मंडे से लेकर संडे तक। और क्या दिया गया इंफॉर्मेशन आगे, सम ऑफ देम आर बॉलर एंड सम ऑफ देम आर बैट्समैन, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, ये भी बोल दिया गया है। और देयर रन एंड विकेट्स, और उनके रन विकेट भी बोल दिए गए, 55, 4, 16, 8, 4 एंड 25, ठीक है ना। तो देखो इतना पढ़ने के बाद मैंने क्या इंफॉर्मेशन ग्रैब किया, देखो नॉर्मल, पहला तो मैं ये चीज फिक्स्ड है ना, फर्स्ट चीज तो ये फिक्स्ड है कि ये हमारा जो होगा मंडे, देन ट्यूजडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट वन इज संडे, ठीक है ना। और मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन था, और मेरे पास इंफॉर्मेशन था कि 7 प्लेयर भी हैं। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर में प्लेयर्स का डाटा रेडी कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गए प्लेयर्स, और क्या था, और प्लेयर बैट्समैन है कि बॉलर है ये भी नहीं पता है, लेकिन आपको दो कंडीशन दिया गया था कि आइदर बैट्समैन हो सकते हैं, फिर आइदर बॉलर हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसका रोल भी प्ले कर लेते हैं, ठीक है ना, कि जो प्लेयर होगा उसका रोल क्या होगा, वो बैट्समैन होगा कि बॉलर होगा, ठीक है। और क्या दिया गया है, और आपको एक चीज और दिया गया था, विकेट एंड रन्स, ठीक है ना। तो ये भी पता नहीं है कि कौन प्लेयर क्या विकेट्स क्या रन बनाएगा, तो एक काम करते हैं W और R लिख लेते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट के लिए। चलो अब पढ़ते हैं, पजल पढ़ते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं जिससे पजल सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, वी प्ले ऑन थर्सडे, ये चीज फिक्स हो गया है कि जो वी कब खेल रहा है, जो वी नाम का बंदा है, जो वी नाम का प्लेयर है, वो खेल रहा है हमारा कब, थर्सडे को, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टू मैचेस आर प्लेड बिटवीन द मैचेस प्लेड बाय प्लेयर वी एंड प्लेयर पी, यानी कि वी और पी के बीच में दो गेम हो रहे हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि पी आइदर यहां बैठ सकता है मंडे को या फिर संडे को, ठीक है। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, दो कंडीशन लेकर पजल को आगे मतलब करेंगे, फिर टाइम लगने वाला है। आपको करना क्या है, माइंड में तो है ना कि पी यहां बैठ सकता है या फिर पी यहां बैठ सकता है, आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, शायद एक एलिमिनेट हो जाए, शायद कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए पजल पढ़ने के बाद, तो पजल पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक द बैट्समैन स्कोर्ड हाफ सेंचुरी प्लेड इन दैट मैच, यानी स्टार्टिंग डे में जो बैट्समैन है, ये तो पता है ना, स्टार्टिंग डे में कौन खेल रहा है, बैट्समैन, ठीक है ना।
और ये क्या कर रहा है, हाफ सेंचुरी मार रहा है, यानी ये हाफ सेंचुरी का मतलब क्या हुआ 50, और आपके पास रन क्या क्या दिए गए हैं आप वो भी लिख लो, रन एंड विकेट्स क्या क्या दिए गए हैं, वो दिए गए हैं हमारे 50 रन है एक तो, एक 5 है, एक 4 है, एक 16 है, एक 8 है, एक 4 है, एक 25 है। अब इसमें रन क्या है विकेट यह पता नहीं है, 50 हमारा क्या है, क्या है हमारा 50, जो 50 है वो हमारा बैट्समैन बना रहा है। अब 16 तो विकेट हो नहीं सकता एक मैच में, तो आप नॉर्मल आगे जैसे पजल बढ़ेगा आपको मैं समझाता चला जाऊंगा। अब आगे नंबर टू कंडीशन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ रन एंड विकेट ऑफ द प्लेयर डब्ल्यू एंड क्यू इज इक्वल टू द रन विकेट ऑफ एस। नॉर्मल सब ये बात क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है डब्ल्यू प्लस क्यू, ये दोनों मिलकर जितने भी रन विकेट लिए हैं ना, जितने भी स्कोर किए हैं रन विकेट मिलाकर, उसके इक्वल कौन किया है, उसके इक्वल एस किया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए हल्का सा, कि दो डाटा को ऐड कर ऐसा कौन डाटा होगा कि इक्वल होगा, को क्या हो सकता है, बस एक ही चीज है 4 + 4 = 8, 2% है, ठीक है। तो यहां क्या होगा 4 + 4 और एस क्या होगा 8, ये तो हमारा क्लियर है ना। चलो अब आगे क्या दिया गया, ऑल द बॉलर्स शुड बी प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड बाई बैट्समैन। कहने का मतलब है जितना भी यहां पर बॉलर आएंगे ना, उसके ऊपर क्या होंगे बैट्समैन होंगे, और उसके नीचे भी कौन होगा बैट्समैन होगा, ये बोला गया है। जितने भी बॉलर आएंगे उसके ऊपर बैट्समैन और उसके नीचे बैट्समैन। चलो और क्या बोल रहा है, एंड और टी इज द ओनली बॉलर विच कैन नॉट बी सक्सीडेड बाई एनी वन, यानी टी एकमात्र टी ऐसा बॉलर है ना जो सक्सीड नहीं होगा किसी के बाद, यानी टी के नीचे कोई बंदा नहीं होगा, ना बैट्समैन ना बॉलर, तो टी कहां बैठ सकता है, थोड़ा सा माइंड लगाइए, टी के नीचे कोई नहीं होगा तो टी बैठ कहां सकता है, यहां तो बैठ नहीं सकता, नीचे होगा तो ऑब्वियसली टी कहां बैठेगा, लास्ट में बैठेगा टी हमारा। और टी क्या है, बोल दिया गया टी इज द ओनली बॉलर, यानी कि जो टी नाम का बंदा है वो है क्या, वो है हमारा बॉलर। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वी और पी के बीच में दो मैचेस हो रहे हैं, तो यहां तो टी बैठेगा 100% क्योंकि टी के सक्सीड कोई नहीं है, और वी तो पी कहां बैठेगा, पी हमारा बैठेगा यहां पर, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, पी इज द ओनली बैट्समैन विच इज फॉलोड बाई बैट्समैन, पी तो बैट्समैन निकल गया, और पी इज द ओनली बैट्समैन, पी एक लौता बैट्समैन है जो फॉलोड करेगा एक और बैट्समैन से, यानी जो नीचे रहेगा फॉलोड वो भी हमारा कौन होगा बैट्समैन, तो ये क्या होगा बैट्समैन, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ओनली वन मैचेस इज प्लेड बिटवीन द मैच प्लेड बाय टी एंड एस, टी और एस के बीच में सिर्फ एक मैच हो रहा है, तो टी यहां पर होता है, एस कहां होगा यहां पर होगा, ठीक है। और क्या दिया गया, द स्कोर ऑफ द बैट्समैन हु प्लेड ऑन थर्सडे इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द प्लेयर हु प्लेड ऑन सैटरडे। बोल रहा है जो भी बंदा सैटरडे को जो स्कोर कर रहा है ना, उसका परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, थर्सडे को होगा। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर हो क्या सकता है, यानी 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, यानी 4 का 16 हो सकता है, यानी जो भी बंदा सैटरडे को 4 बनाएगा वो थर्सडे को क्या होगा 16, या फिर एक डाटा मेरे पास और है कि 5 का 25 भी हो सकता है, यानी जो बंदा भी यहां 5 बनाएगा यहां क्या करेगा थर्सडे को 25। तो दो कंडीशन है, तो इसको छोड़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, और आगे इंफॉर्मेशन में दिया क्या गया है, बोला गया स्कोर ऑफ द बैट्समैन हु प्लेड ऑन थर्सडे इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द प्लेयर हु प्लेड ऑन सैटरडे, द मैच प्लेड बाय टी इज नॉट प्लेड ऑन द इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द डे व्हेन द मैच ऑफ द प्लेयर वी इज प्लेड। चलो इससे तो कोई मतलब नहीं है, टी निकल ही गया है हमारा। अब क्या बोला गया लास्ट कंडीशन में, द मैच प्लेड बाय आर इज प्लेड ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द डे व्हेन द मैच ऑफ द प्लेयर डब्ल्यू इज प्लेड, यानी कि कह रहा है जो आर नाम का बंदा है वो इमीडिएटली बिफोर, यानी कि इमीडिएटली आगे किसके खेलेगा डब्ल्यू का, यानी कि जो कंडीशन हमारा बैठेगा वो ऐसे बैठेगा आर, और आर के जस्ट नीचे डब्ल्यू, क्यों,
क्योंकि बोल दिया गया डब्ल्यू के इमीडिएटली बिफोर, इमीडिएटली मतलब जस्ट, कौन है आर, तो आर डब्ल्यू एक साथ बैठेंगे। अब देखो आर डब्ल्यू यहां आ नहीं सकता क्योंकि दो स्पेस चाहिए, तो एक ही कंडीशन है आर डब्ल्यू के लिए, तो ये हमारा कौन होगा आर, तो ये क्या होगा डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन बैठेगा देख लो, बी क्यू क्यू, ये हमारा कौन बैठेगा, ये जो बैठेगा हमारा वो होगा क्यू। अब देखो एक चीज, क्यू हमारा कितना रन बनाएगा आपको बता, यहां पर मैं बता दिया था क्यू क्या था फोर, तो क्यू क्या होगा फोर, और जब सैटरडे फोर होगा तो थर्सडे क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर, ये होगा हमारा 16, ठीक है ना, 4 16। अब एक चीज डब्ल्यू क्या था, डब्ल्यू हमारा था 4, ठीक है, 4 16 4 50, ठीक है। अब देखो एक चीज नॉर्मल सोचने वाली बात है, हमारा ये हो गया, ये हो गया, और क्या हुआ 1 2 3 4, बचा क्या क्या है हमारा 8, और ये भी हो गया, और क्या बचा है 25, और क्या बचा है 1, हमारा बचा है 5, ये भी हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये बॉलर था, अब बैट्समैन है, तो और आपको ये भी बोल दिया गया था बॉलर के जस्ट नीचे और ऊपर कौन, ऊपर कौन होगा हमारा होगा बैट्समैन, तो ये जो 4 है कौन होगा 100% कौन होगा बॉलर, अगर ये बॉलर होगा तो नीचे कौन होगा बैट्समैन, क्योंकि आपको बोल दिया गया था कि बॉलर के ऊपर भी बैट्समैन नीचे भी बैट्समैन, ठीक है, ये बॉलर ये बैट्समैन, ये बॉलर ये बैट्समैन, अगर ये बैट्समैन हो गया तो एस क्या होगा, एस हमारा 100% क्या होगा, एस जो होने वाला है वो हमारा होगा बॉलर, अगर ये बॉलर हो गया तो ये क्या होगा क्यू नंबर, ये होगा हमारा बैट्समैन, ठीक है ना। अब देखो अब आपको नॉर्मल एक चीज आपको बताया गया था कि ये बैट्समैन है ये बॉलर है, हमारा गैपिंग कौन कौन सा बच गया, एक ये और एक ये, ठीक है ना, और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, आप देख लो एक बार, W 50 25 W plus Q R 14 8 4 5। अब यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है, आप थोड़ा माइंड लगाओ, यहां पर देखो यहां पर आपका 5 हो सकता है या फिर यहां पर 8, दो बॉलर बच गए एक बैट्समैन बच गया, दो बॉलर एक बैट्समैन, दो बॉलर एक बैट्समैन, और जो बैट्समैन है ऑब्वियसली हमारे पास एक डाटा 25 का बचा है, और 25 हमारा बॉलर बना नहीं सकता, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा 25। अब हमारा बच गया एस, और आपको पता है W plus Q equal to S था, तो S क्या होगा 8, तो ये क्या होगा हमारा 5। देखो पजल सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, करना ऐसे ही नॉर्मल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्री के पजल काफी इजी आने वाले हैं, ठीक है ना। सो आज के लिए आप सभी को एक थैंक यू।